Good morning and welcome you all students on MDN Education online study platform. Today we will discuss in this video past tense. In the previous video we discussed present tense and the basic information of tense. Before starting this topic, I have a motivational quote for you. Thinking is the capital and enterprise is a way and hard work is the solution. So before starting to write in your copy, first of all, write these motivational speech or quote in your copy. So let's start move to the topic. Past tense, past indefinite tense. Past indefinite tense की जो ID होती है वो क्या होती है? Simple past tense या फिर past indefinite. Verb की second form या फिर did plus first form. डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म. डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है. तो फॉर एग्जाम्पल, ही केम हेयर येस्टरडे, यू डिड नॉट अटेंड द पार्टी, वाई डिड यू गेट लेट. तो यहाँ पर तो तीनों के तीन सेंटेंसेज हैं वो थ्री सेंटेंस के फॉर्मेट को शो करते हैं. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस को शो करता है, मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. सेकेंड नेगेटिव है और थर्ड क्या है? इंटरोगेटिव है. तो हमारा मेन फोकस जो है वो किसके ऊपर होना चाहिए? वो यूज के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूज है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? यूज में फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शन. मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करेंगे? पास्ट की हैबिचुअल एक्शन के लिए. पास्ट की हमारी कोई हैबिट थी उसको शो करने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. जैसे इन माय चाइल्डहुड वी प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग, माय ग्रैंड मदर वॉक मी अप इन द मॉर्निंग. नॉट यूज टू इज आल्सो यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट. पास्ट की जो हैबिट होती है उसके लिए हम यूज टू का भी प्रयोग करते हैं. जो हमारे हैबिचुअल एक्शन या डेली रूटीन होते हैं उनको शो करने के लिए हम यूज टू का प्रयोग भी करते हैं. यूज टू क्या है? एक मॉडल है. सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है टू एक्सप्रेस पास्ट फैक्चुअल इंसिडेंट्स. जो फैक्चुअल इंसिडेंट है, मतलब जो पास्ट के फैक्ट हैं, उनको शो करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का. जैसे इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947. थर्ड पॉइंट, व्हेन टू एक्शंस आर अकर्ड इन द पास्ट वन आफ्टर वन एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म वी टू फोर एंडेड एक्शन एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मींस वाज वर प्लस वी वन प्लस आईएनजी फॉर कंटिन्यूइंग एक्शन. इसका मतलब क्या है कि पास्ट में यदि दो एक्शन दिए हैं, पास्ट में यदि दो एक्शन हैं और दो एक्शन में से एक काम समाप्त हो चुका है, एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दूसरा एक्शन उसी टाइम में कंटिन्यू है. पास्ट में यदि दो एक्शन है, दो में से एक काम फिनिश हो चुका है और दूसरा एक्शन है जो वो उसी टाइम में, उसी टाइम पीरियड में क्या है? कंटिन्यू है. तो उसके लिए हम जो कंटिन्यू है, जो समाप्त हो चुका है, उसको समाप्त हो चुका है, उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और जो कंटिन्यू है उसमें, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. तो जैसे व्हेन यू केम आई वाज स्टडिंग. तो इस पॉइंट को याद रखना नेक्स्ट, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होगा. नेक्स्ट आता है इसके अंदर नोट में एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं, जैसे लास्ट ईयर, येस्टरडे, लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो, इन प्लस टाइम. जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस में किए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किए थे, कंटिन्यूअस में किए थे, परफेक्ट में किए थे, तो इसी तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट में किए थे मीन्स, तो इसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस के अंदर भी ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, जैसे लास्ट ईयर है, येस्टरडे, लॉन्ग लॉन्ग एगो और इन प्लस टाइम. तो इनके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. एक और है एगो. एगो एक और होता है क्या? एगो. तो उसका प्रयोग भी करते हैं. तो इसका क्विक रिवीजन करते हैं एक बार. टू एक्सप्रेस फास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट के है, पास्ट की हैबिट के लिए यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग. पास्ट के फैक्चुअल इंसिडेंट्स के लिए, मतलब फैक्ट के लिए करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. और यदि पास्ट में दो एक्शन हैं, दो में से जो समाप्त हो चुका है उसके लिए सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और उसी टाइम में दूसरा एक्शन चल रहा है तो उसके लिए हम
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम को आप जो ये एडवर्ब्स हैं इनको अच्छी तरह से याद रखें, लास्ट ईयर, येस्टरडे, एगो, लॉन्ग एगो और लॉन्ग लॉन्ग एगो इन प्लस टाइम, इनके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी आईडी क्या होती है, वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वाज का जो प्रयोग है वो किया जाता है ही, आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ, और वर का जो यूज है वो करते हैं हम यू, वी, दे, ऑल और प्लूरल नाउन के साथ। जैसे दे वर हेल्पिंग द पुअर विद मनी एंड आई वाज स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ द हॉल। तो इसके यूज की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट यूज क्या है इसका, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच वॉज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई काम था जो वो कंटिन्यू था, जैसे अब ये वीडियो चल रही है, ये प्रेजेंट में कंटिन्यू है, ये प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो इस तरह से थोड़े टाइम के बाद ये क्या हो जाएगी, ये पास्ट में हो जाएगी। तो पास्ट में जो काम कंटिन्यू है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, मीन्स वाज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल इन मार्च दे वर टेकिंग द एग्जामिनेशन, जैसे आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो कि मार्च में आप अपनी परीक्षाएं दे रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना जो पेंडेमिक है उसकी वजह से आपकी परीक्षाएं थोड़ी बाधित तो हुई, तो बट मार्च में आप परीक्षा तो दे रहे थे, तो वो मार्च क्या हो चुका है, पास्ट हो चुका है, तो वो पास्ट में वो काम क्या था, कंटिन्यू था। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू डिस्क्राइब टू एक्शंस हैपनिंग साइमल्टेनियसली इन द पास्ट, मतलब पास्ट में यदि दो काम एक साथ चल रहे हैं, पास्ट में यदि दो काम एक साथ चल रहे हैं तो उनके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक, कि मैं एक बुक पढ़ रहा था, वाइल माई यंगर ब्रदर वॉज प्लेइंग, जबकि मेरा जो यंगर ब्रदर है उसी दौरान मेरा यंगर ब्रदर खेल रहा था। तो पास्ट में दो एक्शन हो गए, पास्ट में वन वन एक्शन ये हो रहा है और दूसरा एक्शन प्लेइंग का हो रहा है। तो जो पॉइंट नंबर थर्ड है वो हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपल पास्ट टेंस के थर्ड पॉइंट में, वो मैंने पहले ही भी कहा था आपको कि आप देख लेना, ये सिंपल पास्ट टेंस के अंदर का जो थर्ड जो पॉइंट है वो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर क्या है कि पास्ट में यदि दो एक्शन दिए हैं, दो में से एक समाप्त हो चुका है और दूसरा काम कंटिन्यू है उसी टाइम पीरियड में, तो हम उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन यू केम आई वाज प्लेइंग, आई वाज रीडिंग एटसेट्रा। उसके बाद है आफ्टर दैट पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको डिस्कस करने से पहले हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो आईडी होती है वो वाज वर प्लस वी वन प्लस आई एन जी का प्रयोग किया जाता है। इसके यूज़ क्या हैं, भी पास्ट में कोई एक्शन है जो वो कंटिन्यू था तो उसके लिए यूज़ करते हैं, पास्ट में कोई जो दो एक्शन है वो एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रही हैं, और पास्ट में दो एक्शन है, दो में से एक समाप्त हो चुका है, एक फिनिश हो चुका है और दूसरा उसी टाइम पीरियड में कंटिन्यू है, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरे जो अदर रूल्स होंगे वो कंडीशनल सेंटेंस में हम करेंगे। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या होती हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है। जैसे दे हैड प्लेड द मैच व्हेन द रेन स्टार्टेड। नेक्स्ट इसकी यूजेस करते हैं, इसका फर्स्ट यूज क्या है, इफ टू एक्शंस आर गिवन इन द पास्ट एंड एंड हैपन वन आफ्टर वन, मतलब यदि पास्ट में दो एक्शन दिए हैं और वो एक के बाद एक हुए, तो जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो एक्शन बाद में होता है, और जो एक्शन पहले होता है उसके लिए हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मतलब इसको सीधा समझें कि यदि पास्ट में दो एक्शन दिए हैं और दो में से जो काम पहले हो चुका है, जो काम पहले हो चुका है उसके लिए हम हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो एक्शन बाद में होता है उसके, एक एक्शन हो चुका है और दूसरा एक्शन उसके बाद में होता है, तो हम उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन हिज फादर केम होम, व्हेन यू केम आई हैड फिनिश्ड माई लंच, जब तुम आई मैं अपना लंच फिनिश कर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो यहां पर क्या आया, बिफोर, बिफोर एंड उसकी एक बार पूरा था आफ्टर। तो जैसे बिफोर, जैसे बिफोर द मैच, द मैच
had started before we reached the playground. या फिर आफ्टर है वी वेंट आउट आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड. जो इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, टू एक्सप्रेस एन इनकम्प्लीट डिजायर. जो इनकम्प्लीट डिजायर होती है उसके लिए, उसको शो करने के लिए हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. जैसे आई विश ही हैड वर्कड हार्ड. अब जो इनकम्प्लीट डिजायर होती है, ये नहीं हुई, मतलब ये काम नहीं हुआ. ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, इसका मतलब ये है, ही हैड नॉट वर्कड हार्ड. तो इसका क्विक रिवाइज करते हैं इसको क्विकली. यदि पास्ट के अंदर दो एक्शन दिए हैं और दो एक्शन में से जो काम पहले होता है उसके लिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो बाद में होता है उसके लिए हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. और इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, जो पास्ट की जो मतलब हमारी इनकम्प्लीट डिज़ायर होती है कि उसको शो करने के लिए भी हम करते हैं, क्योंकि इसमें एक्शन है जो होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ होता, मतलब वो एक्शन हुआ ही नहीं होता. तो हमारा जो नेक्स्ट टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब लास्ट टेंस है. इसकी आईडी क्या होती है, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी सिंस या फॉर प्लस टाइम. तो व्हेन आई रीच देयर ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4 o'clock एंड द स्टूडेंट्स हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. तो इसके यूज़ कहाँ करते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, मतलब पास्ट के पास्ट में ही कोई काम शुरू हुआ, एंड वॉज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट, और पास्ट में ही वो कंटिन्यू था और पास्ट में ही वो फिनिश हो चुका था. तो जैसे इट हैड बीन रीजनिंग सिंस लास्ट नाइट, भी पिछली रात से ही वर्षा हो रही थी. एंड हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर हाफ एन आवर, क्या तुम मेरे लिए आधे घंटे से वेट कर रहे थे. तो ये था हमारा पास्ट टेंस. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. यदि नहीं हुआ तो कुछ भी आपका डाउट रहता है तो आप वो कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जाएं और उसको कमेंट करें. तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी पता चले आपको क्या चीज़ क्लियर हो रही है, क्या चीज़ नहीं क्लियर हो रही है. तो इसकी एक्सरसाइज क्या है, ये एक्सरसाइज आपको एक होमवर्क के रूप में दी जाती है. जितने भी पॉइंट किए हैं उनसे रिलेटेड ही है ये. तो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे, इसको अच्छी तरह से फिल करेंगे, और ये पास्ट टेंस से रिलेटेड ही है. कंप्लीट पास्ट टेंस से रिलेटेड है ये, कंप्लीट पास्ट से है. इसके अंदर सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मिशन है. अप्रोक्सीमेटली ये आपके जो सेंटेंस हैं वो कंप्लीट तो ये जो एक्सरसाइज है वो पास्ट टेंस के लिए है. आपने इसको कंप्लीट करना है अच्छे से, ये आपके लिए होमवर्क है. तो आई होप आपको पास्ट टेंस अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. तो ये एक्सरसाइज करें, और जैसा कि आपको पहले भी बोला गया है कि अपने नोट्स बनाएं और इन एक्सरसाइज को अपनी कॉपी के अंदर लिखें. जो आप फिर कॉपी बनाओगे तो टेंस की अलग से कॉपी बनाएं, उसके अंदर एक्सरसाइज करें अच्छे तरीके से, इनको फिल करें, और एट लास्ट हैव अ गुड डे एंड थैंक यू वेरी मच.